निकल गया और शाम होने को आई, लेकिन निया को किसी ने शूटिंग की खबर ही नहीं पहुंचाई। तो निया राजीव एंड वाइफ संग बबलू भैया ने एक नई टीम बनाई और जुट गए इस खेल में। आज ये करेंगे ढेर सारी मस्ती और वर्कआउट भी। लेकिन इस बैडमिंटन के खेल में भी एक अनोखी जंग ही जुड़ी है। यहाँ लोग बैडमिंटन में अपनी महारत दिखाने के बदले बैडमिंटन के रैकेट के लिए लड़ रहे हैं। निया, ये मतलब ये क्या चल रहा है? यहाँ शूटिंग हो रही है या मतलब गेम्स चल रहे हैं? हो क्या रहा है यहाँ? दिस इज अ पार्ट ऑफ शूटिंग। अभी ये सब फुटेज में जाएगा, लाइक यू आर टेकिंग फुटेज, दैट्स विल गो इन फुटेज। बट अब हम खाली बैठे, सो दिस इज आवर गेम, ओके? एंड आई हैव गॉट द रैकेट, आई हैव गॉट शटल। मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं, ओके? सब ले लेके बैठे, दैट्स सो बुली। चार शटल तोड़ चुके अभी तक, सिर्फ एक घंटे। ये तो सरासर चीटिंग है भाई, जिसकी बिल्ली उसी से म्याओ। रोशनी ने ही इस खेल की शुरुआत की और उसे ही खेलने से रोका जा रहा है। रोशनी, कौन है वो आदमी जो तुम्हें ये खेल खेलने से रोक रहा है? अच्छा, ये विशाल है ना, he's a bully, okay? He's playing the dirtiest game on this planet. Oh please, let it be. सबसे गंदा गेम विशाल खेल रहा है, बाकी हम सब बहुत फेयर लोग हैं। आई प्ले वेल, दिस गाय प्लेज वेल। रैना भी ठीक ठाक खेल लेती है, बेचारी को रैकेट ही नहीं मिल रहा है। अदरवाइज क्या, विशाल इज अ डर्टी गेम प्लेयर। मैं पता है क्या चल रहा है, जब बचपन में मैं क्रिकेट खेलने जाता था ना, तो मैं आउट होता था ना, तो मैं कहता था मुझे फिर से खिलाओ वरना मैं बैट लेके चला जाऊंगा। वो निया कर रही है, रैकेट छोड़ नहीं रही, कहती क्योंकि रैकेट्स मेरे हैं तो मैं तो खेलूंगी। अब हमें एक और रैकेट के लिए लड़ना पड़ रहा है बेचारों। वाकई राजवीर तो बहुत ही बुरे खिलाड़ी है, हमारा मतलब है बुराई के बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, क्योंकि यहाँ वो आपको रैकेट के लिए रुला रहे हैं, तो वहाँ दूसरी ओर उन्होंने सीट को भी चूर चूर कर दिया है। एकमात्र नानी ही बची थी जो सीट पर विश्वास किया करती थी, लेकिन अब वो विश्वास टूट चुका है और यही गम नानी को बहुत रुला रहा है। और नानी को इस हालत में देखकर सीट भी मायूस हो गए हैं। सब लोग उसको घर में गलत समझ ले, नानी माँ उसको गलत नहीं समझ सकती है। उसमें कहीं ना कहीं उनके तजुर्बे का भी हाथ है, उम्र का भी हाथ है, एक परसेप्शन का भी हाथ है, जहाँ उनको पता होता है कि कौन सा इंसान कब गलत है। चाहे वो अपनी बेटी ही उनकी क्यों ना हो, उंगली उठा करके बोलती है डीडी तुम मतलब इन दिस सिचुएशन सिद्धार्थ इज राइट इन योर रॉन्ग। तो जब ऐसा इंसान आपको गलत करार दे दे, तो फिर आप अपने एक इंट्रोस्पेक्शन में, रेट्रोस्पेक्शन में घुस जाते हैं एंड यू बेसिकली बिगिन टू फील दैट यू प्रोबेबली आर एक्चुअली रॉन्ग। तो उस सिचुएशन में बंदा मतलब इमोशनल भी हो जाता है, थोड़ी चोट भी खाता है। फिर लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी रोशनी सदा आपका साथ देगी। यहाँ बैडमिंटन में जैसे वो राजवीर को हराने की कोशिश कर रही है, वैसे जल्द ही रियल लाइफ में भी उनको मात देकर आपको बेस्ट जमाई का अवार्ड दिलवा ही देगी। आरती गुप्ता की रिपोर्ट।